जाओ, मत जाओ। मिस पूनम। प्लीज प्लीज मत जाओ। मिस पूनम। प्लीज मत जाओ। मिस पूनम। Are you all right, Miss Poonam? तुम्हें कुछ कहना है क्या? कहना तो आपको चाहिए ना, सच कि आप मुझसे दूर भाग रहे हैं मिस्टर राज। दूर भाग रहे हैं आप मुझसे। What is wrong with you? क्या हो क्या चाहता तुम्हें? Just don't forget कि तुम मेरी एम्प्लॉई हो, यहां काम करने आई हो। Stay in your limits. फिर से वही डिस्कशन श्रेय। मैं डिसाइड कर चुका हूं कि शाइना और कुहू को लेकर कनाडा शिफ्ट हो रहा हूं। दैट्स माय फाइनल डिसीजन। अरे मेरी फैमिली का सवाल है यार। पर बीहू, कभी शाइना ने आपको और कुहू को अपनी फैमिली माना है? और आप तो छोड़ो बीहू, कभी उसने कुहू की केयर की है? श्रेय, तू ही कहता ना कि मैं लाइफ में सेकंड चांस रिजर्व करता हूं, तो शाइना क्यों नहीं? अरे लोग बदल सकते हैं। श्रेय, अगर भैया इतने साल बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं और उन्हें लगता है उनका डिसीजन सही है, तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। बीहू फैमिली के कारण नहीं, पूर्णिमा भाभी के कारण यहाँ रुकना नहीं चाहते। इतने सालों बाद वो सिर्फ आपके लिए लौट के आई है बीहू। बकवास बंद कर श्रेय। पर यही सच है, आप मानो या ना मानो, पर आपका दिल जानता है। पूनम पूर्णिमा नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा वापिस आई ही नहीं। और मरकर कोई नहीं लौटता, हमें एक बार जीते एक बार मरते हैं, दैट्स इट। बीहू, ये सब बातें इलॉजिकल है, जानता हूं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। ना तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 4 जून है और ना ही उसकी बॉडी पे कोई बट मारकर, जैसे पूर्णिमा ने कहा था मुझे। पूनम पूर्णिमा नहीं है, दैट्स स्ट्रेट। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है अपनी बेटी के लिए। पीछे मुड़के देखना बंद कर दिया मैंने श्रेय। आई हैव टू मूव ऑन के लिए। आगे बढ़ गया तू, भूल गया मेरी पूर्णिमा को, उसकी बूढ़ी माई को भूल गया तू, छोड़ दिया हम दोनों को तड़पने के लिए। कोई बात नहीं, जब तक मुझे मेरी पूर्णिमा नहीं मिलेगी ना, मैं यही धरना दे करके खड़ी रहूंगी। ये मुंह उठाकर यहाँ पे चली आई और इतना ड्रामा कर रही है, और हम सब चुपचाप सुन रहे हैं इसे। कुछ पैसे चाहिए होंगे, इसे पैसे दो, निकालो बाहर। ए! ये पैसे है ना, मैं तेरे मुंह पे ही दे करके मारूंगी। कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं, उस लड़की की माँ हूँ मैं जिसे तेरे राज ने ब्याह किया था। किया होगा, पर राज की पत्नी अब मैं हूँ। दूसरी औरत है तू, राज की पहली बीवी मेरी पूर्णिमा है और हमेशा रहेगी। यहाँ मैं कैसे आ गई? ये जगह कौन सी है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं अपने आप ही आई हूँ? ये सपने मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? मुझे निद्रा के पास जाना है, वो घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। रुक जाओ, क्या यह सामान तुम्हारा है? चुप क्यों खड़े हो तुम लोग? कोई जवाब नहीं है? ये खुशी हो रही है मुझे इस तरह देख करके? मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। आपने 18 साल के बाद राज को देखा है, मेरा दिल जानता है कि तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि राज पूर्णिमा के लिए तड़पा ना हो। सुमित्रा बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही, जितनी व्याकुल आप है उससे कहीं ज्यादा हमने अपने बेटे को दिन रात तड़पते हुए देखा है। 18 साल से वो आपकी बेटी के जाने का शोक बना रहा है, हर दिन उसका इंतजार करता है वो। जितना कठिन ये आपके लिए है ना बहन जी, उतना कठिन ये हमारे लिए भी है।
बड़ी मुश्किल से संभला है थोड़ा सा मेरा राज। वो आपको ढूंढने आश्रम गया था पर आप उसे मिली नहीं। उसने सब जगह ढूंढा आपको पर इतने बरस आप थी कहाँ? ए तेरे को क्या करने का है कि मैं कहाँ थी? 18 साल बाद मुझे मेरी बेटी मिली है लेकिन तुम सब लोग झुठला रहे हो। तुम चुप क्यों है? डर लग रहा है अपनी दूसरी बीवी से या पूर्णिमा वापस आ गई और उसे अपनाना नहीं चाहता तू? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, पूर्णिमा को लेकर के जाऊंगी अपने साथ। कहां छुपा के रखा है मेरी पूर्णिमा को? मैंने कहा ना कि वो यहां नहीं है, वो वापस नहीं आए। सब तेरी वजह से। न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब तू उसकी जिंदगी में आया। अरे पछताएगा तू। नहीं जोड़ती हूँ, मत बोलने। मेरा राज पहले ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर चुका है। अमीरों की मुश्किल और गरीबों की तकलीफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। तेरे बेटे ने मेरी मोड़ी को ऐश और आराम की जिंदगी के सपने दिखाए, तड़पाया मेरी मोड़ी को। उसके साथ रहकर मेरी मोड़ी को अपना बलिदान देना पड़ा। सही कह रही हैं आप, नहीं बचा पाए मैं पूर्णिमा को। आप कुछ इतना कोसना कोस लीजिए मुझे, जितनी बद्दुआ है देनी दे लीजिए, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बद्दुआ यही है कि मैं नहीं बचा पाया पूर्णिमा को। और रोज इस बात को लेकर कोसता हूं, अपने आप को सजा देता हूं। बद्दुआ देना चाहती है ना, सजा देना चाहती है, दीजिए, हंसी खुशी मंजूर है मुझे। कभी चैन से नहीं जी पाएगा तू। जब तक मेरी पूर्णिमा को पूरे दिल से नहीं अपनाएगा ना, खुश नहीं रह पाएगा तू। वो मेरे पास है, नीता। आप उसे बीच में क्यों ला रही हैं? बताइए ना शैना, मैं काहे ने तब से खुद बीच में आ रही है और कह रही है कि बीच में क्यों? ये तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज राज और मेरी शादी होने वाली है। हम रात को ही कनाडा चले जाएंगे। अगर तूने अपना ये मुंह बंद नहीं रखा, तेरी बहन को मैं पशु दूंगी, समझी? नहीं, प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। कहाँ है वो? प्लीज उसके साथ कुछ मत करिएगा, बताइए ना, कहाँ है? मैं आपके पैर पड़ रही हूँ। हमारे जाने के बाद ही तुझे पता चलेगा। अगले 6 घंटे के लिए अपना मुंह बंद रखना। अगर तूने तेरा मुंह खोला तो तेरी बहन का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगी मैं, समझी? नित्रा, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं जानती नहीं हूँ शैना मैडम ने नित्रा को कहा रखा है। नित्रा ठीक हो बस। मिस पूनम, आज हम कनाडा जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ देना चाहता हूं मैं।
तुम्हारे लिए। मिस्टर राज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो लूना राज और मेरी तरफ से पार्टिंग गिफ्ट। फोन ऑन नहीं करोगी? अगर तूने ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो आज तेरी बहन का आखिरी दिन होगा।